हम इस समय गोपालपुर के लाइट हाउस पे हैं। ये लाइट हाउस 1966 में बनाया गया था और 66 से लेकर अब तक इसने कई सारे साइक्लोन और तूफानों को विटनेस किया है। आप देख सकते हैं ये समंदर जो जिसकी इंटेंसिटी बता रही है, जिसकी तीव्रता बता रही है कि ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन फोनी जिसका लैंडफॉल शुरू हो चुका है पुरी के तट पर, वो कितना तीव्र है। गोपालपुर में करीब 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं जिसको मौसम विभाग ने रिकॉर्ड किया है। गोपालपुर में बारिश की बात करें तो करीब करीब 13 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड अभी तक की जा चुकी है। यहाँ पर अभी तक किसी खास तरीके के नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ मिस्टर आशीष हैं, इस लाइट हाउस के इंचार्ज, देखभाल करते हैं। सर, कितना पुराना यह लाइट हाउस है? 1966 से बना हुआ, तो अभी तक कई सारा साइक्लोन ये लाइट हाउस फेस कर चुका है, फिर भी इसका कुछ नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो आज का जो साइक्लोन है, हम लोग थोड़ा अफ्रेड थे जो कि कुछ नुकसान कर सकता है, बट वही हिसाब से कुछ नुकसान नहीं हुआ जो कि ये पुरी में हिट कर रहा है। और हमारा जो डायरेक्टर जनरल नोएडा में बैठते हैं, वो सारे देखभाल करने के लिए हमारा निर्देशक कलकत्ता श्री अजय कुमार देवता को सौंपा है। उसका पूरी टीम कलकत्ता बैठ के हम लोग को गाइडलाइन दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हमने दो लाइट हाउस का सफ़र किया, घुमा है, देखा तो कोई नुकसान नहीं है। हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में है, हमारा मित्र लोग जो हमारा साथी लोग है, वो लोग भी रात भर हम लोग जाके हम लोग पूरा सर्विस दिया जो कि विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन हमारा इक्विपमेंट चला। सर, अगर हम किसी तरीके के स्ट्रेस कॉल की बात करें, क्या किसी तरीके के स्ट्रेस कॉल किसी जहाज से या किसी जगह से आपको अभी तक रिसीव हुआ है? नहीं, बेसिकली हमने स्ट्रेस कॉल अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है मुझे। मैं संजीव कुमार, थैंक्स टू माय इंचार्ज श्री आशीष कुमार दास एंड आई एम नेक्स्ट टू हिम, मैं इनके अंडर में काम कर रहा हूँ और अभी तक हमें कोई स्ट्रेस कॉल नहीं मिला है। जहाँ तक बात स्ट्रेस कॉल की है, तो हमारा सर्विस जो है, हम जहाज़ को सिग्नल देते हैं और हमारे जो क्षेत्रीय निदेशक हैं और महानिदेशक दिल्ली नोएडा, उन्होंने हमें बहुत मानसिक समर्थन दिया है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रभारी और संबंधित अधिकारियों का हमने बहुत मॉरल सपोर्ट उनसे पाया और अभी तक स्ट्रेस कॉल जहाँ तक देखा जाए तो मुझे कुछ नहीं मिला है। और हमने अगर हम बात करें सर इस साइक्लोन की, अभी हाल ही में तितली साइक्लोन भी इसी इलाके में असर किया था, करीब 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तितली साइक्लोन और इस साइक्लोन में क्या आपको अभी तक अंतर नज़र आ रहा है? तितली साइक्लोन की जहाँ तक बात है, तो पिछले साल अक्टूबर में आया था 2018 में, और ये जो फनी साइक्लोन है, तो तितली साइक्लोन का जो गति था, हवा की गति जो थी, उससे कहीं ज़्यादा ये है। फनी साइक्लोन के जो हवा जो है, ये ज़्यादा तेज है और हमने प्रिकॉशन के तौर पर हमने दो दिन चार दिन पहले से ही सारी सावधानियां कर ली थी और हमारे अधिकारी, हमारे प्रभारी और संबंधित कर्मचारियों ने मिलकर पूरा तैयारी कर रखी थी, इसलिए हमें कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, किसी जानमाल का कोई नुकसान नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल, अगर हम बात करें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए साइक्लोन के दौरान, जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और हवा भी काफ़ी तेज है। नहीं, सावधानी तो मैंने आपको घर में रहना चाहिए और इसका सब कुछ सामान अपना जो दो चार दिन के लिए जो खुराक है उसको रखना चाहिए और अपना पड़ोसियों को भी मदद करना चाहिए, जो कि किसी का भी झुपड़ी हो को उसको शेल्टर देना है। तो हमारा कंपास में अभी तो कोई बाहर से आया नहीं है, जो कि इधर का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग शेल्टर में लेकर गया। तो अभी तक तो हमारा जो लाइट हाउस है जाइके फर्स्ट फ्रंट है, तो उधर कोई आइलैंड है, उसमें ही सारे गांव वाले आके रहता है। तो हम लोग कोई भी आदमी को हम लोग वेलकम करेंगे जो कि वो लोग सहारा लेते हैं, तो हम लोग फुलफिल मदद करने के लिए तैयार है। तो जाहिर तौर पे सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद और चौकस है। अगर हम उड़ीसा सरकार की बात करें तो करीब करीब 10 लाख लोगों को इन्होंने तूफान राहत शिविरों में शिफ्ट किया है, अलग अलग ज़िलों में ये शिफ्टिंग हुई है। साइक्लोन की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। NDRF की टीम है, सेना के जवान हैं, नेवी के जवान हैं, कोस्ट गार्ड के जवान हैं, वो सारे लोग मुस्तैदी से साइक्लोन पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उनको उस जरूरत के हिसाब से उनको तैनात किया जाएगा। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, गोपालपुर।
डॉक्टर महापात्रा, किस तरीके की स्थिति रही और किस वक्त ये साइक्लोन लैंडफॉल कर चुका है? अभी अभी जो ऑब्जर्वेशन मिला है सैटेलाइट से, राडार से और कोस्टल ऑब्जर्वेटरी से, इससे पता चलता है कि आज 8 बजे से 10 बजे के अंदर ये साइक्लोन फनी ओडिशा कोस्ट को पुरी के पास पार किया है। और जब पार किया, इसका विंड स्पीड 175 से 185 KMPH, गोस्टिंग टू 205 KMPH रहा है। सर, अगर हम इस साइक्लोन के इलाके की बात करें, किन किन इलाकों को इसने प्रभावित किया बुरी तरीके से, उस बारे में क्या जानकारी? पहले तो ये आंध्र का जो विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में इसका इम्पैक्ट रहा, जैसे यहाँ दक्षिण से उत्तरी तरफ आ रहा था। इसके बाद कल शाम से साउथ कोस्टल ओडिशा से इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है और रात को गोपालपुर 105 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ता रहा कोस्टल ओडिशा में और आज सुबह इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लैंडफॉल टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है। हमारा जो रिकॉर्ड अभी तक मिला है पूरी गॉस्टिनेस में 174 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड हुआ है।